शार्क्स, आज हम लोग एक गेम से शुरुआत करेंगे. ऑलराइट, ठीक है. आप लोगों के साइड में हाँ या ना का बोर्ड है. Yes. मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी. शर्त ये कि आप लोगों को सच वाला जवाब देना है, हाँ या ना दिखाकर. पहला क्वेश्चन है, कभी आपको नींद आने में परेशानी हुई है? रोज. कभी जिंदगी में जिंदगी के फेलियर के खुद से आप डरे हैं? कभी आपको एंजाइटी, बर्नआउट या स्ट्रेस की वजह से चेस्ट में भारीपन महसूस हुआ है? क्या आप लोग रेगुलरली एनुअल हेल्थ चेकअप, ब्लड टेस्ट करवाते हैं? और आखिरी वाला, क्या आपने कभी मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट करवाया है? आपने किया है? शार्क्स, हम सबको शायद ये पता ही है कि आज दुनिया में हमारा देश सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड कंट्री है, क्योंकि हम लोगों को अपनी रोजमर्रे की जिंदगी में मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस नहीं पता है. इसीलिए हमने बनाया है माइंड पियर्स. नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ कनिका. और मैं हूँ साहिल. हम दिल्ली से हैं, हम हैं फाउंडर्स माइंड पियर्स के. माइंड पियर्स एक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को नहीं जांचता, बल्कि आपको प्रोएक्टिवली मेंटल स्ट्रेंथ इंप्रूव भी करता है. हमारे पास है एक प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम जो कि आपकी जिंदगी की बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं को, जैसे कि आपका करियर, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपके रिलेशनशिप्स, इन सबको मेजर करता है और बताता है ये सारी चीजें आपके दिमाग पे कैसे इम्पैक्ट कर रही है, और उसके बाद आपको एक रियल टाइम स्कोर देता है. हमने बनाए हैं इन हाउस न्यूरोसाइंस गेम्स, बिहेवियर चेंजिंग और हैबिट फॉर्मिंग टूल्स भी. माइंड पियर्स में हम 3.5 लाख यूजर्स हैं और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सिंगापुर, यूके, यूएस में भी एक्सपैंड कर रहे हैं. हमारी आस्क है 53 लाख्स फॉर 1% इक्विटी. शार्क्स, तो आप रेडी हैं मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट देने के लिए? अब तो सबका जवाब होना चाहिए हाँ. हाँ. कनिका, साहिल, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2. बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय पे आपने एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बनाया. इस प्रोडक्ट पे जाने से पहले बताइए थोड़ा, कैसे आपको इसका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस था कि आपने सोचा ये स्टार्ट करना है? 13 साल मैं सिंगापुर में रही. 2013 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन खत्म करी. बाकी सारे इंजीनियर्स की तरह मैंने भी बड़ी कंपनी से काम करना शुरू किया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट. सारा एशिया पैसिफिक मार्केट का कंज्यूमर ब्रांडिंग, कैसे कैंपेन्स रन करने हैं दोनों ही कंपनीज ने, गूगल माइक्रोसॉफ्ट में, ये सब कुछ मैं देखती थी. ठीक है, फिर 2017 के शुरुआत तक मैंने वहाँ काम किया, और उस टाइम पे इंडस्ट्री जो थी डिजिटल की एक ट्रांसफॉर्मेशन कस्प पे थी, साउथ ईस्ट एशिया इंडस्ट्री. तो मैंने सोचा एक एजेंसी शुरू करके देखते हैं, सर्विसेज एजेंसी. तो 2017 में मैंने अब कंपनी को शुरू किया. उस कंपनी का नाम था पैशन पियर्स. मैं सोलो फाउंडर थी, मैंने उसको बूटस्ट्रैप करा. कंपनीज लाइक एसटी लॉडर, मार्क्स एंड स्पेंसर, यूनिलीवर, ये सब मैंने, हम लोग ने पिच किया, सारी पिचेस हम जीतते थे. 2 ईयर्स के विद इन मेरी पहली कंपनी का रेवेन्यू कुछ पहुंच चुका था $12 million. लेकिन आई थिंक जब आप फाउंडर बनते हैं, तो मैं अभी भी कभी भी किसी को बताती हूँ, बहुत कम लोग पूछते हैं. तो 2017 में ही मुझे एंजाइटी होने लगी, क्योंकि मुझे कभी भी नो बोलना नहीं आया. और बिगेस्ट चीज थी कि मुझे फेल होने से बहुत डर लगता था. फेलियर की कोई जगह नहीं थी मेरी जिंदगी में. अब ये सब चीजें पैनिक अटैक्स में बदली. मैं थेरेपिस्ट के पास गई, तो थोड़ा साइंस को खुद भी पढ़ना शुरू किया. अराउंड 2019 के एंड में मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई एक एजेंसी की, जो मेरी एजेंसी के लोगों को एक्वी हायर करना चाहती थी, और उन्होंने हमारे पूरे टैलेंट को लिया. और मेरे पास इक्विटी भी है, फाउंडर इक्विटी, पर अब मैं उस कंपनी में इन्वॉल्व नहीं हूँ. तो आपको उसमें एग्जिट मिली है? 1.1 मिलियन USD का जो है फाइनेंशियल एग्जिट मिला. आप कितने साल की थी जब आपको ये मिला? 1.1 मिलियन, जो ऑलमोस्ट 8 करोड़
हाँ, बराबर तो है। मैं थी 27 साल। सत्ताईस साल में तो यार हमारे पास 20,000 नहीं होते थे, तो सोचो 27 साल में एक वेंचर बना के एग्जिट लेके दूसरा वेंचर शुरू कर दिया। इनक्रेडिबल। और अभी उसके बाद क्या किया फिर आपने, आप बता रहे? इसमें इंटरेस्ट आ गया था, बहुत रिसर्च करी, बहुत सिंपल चीज से शुरू किया था कि थेरेपिस्ट कुछ रखे प्लेटफॉर्म पे और बोला कि थेरेपी अवेलेबल है, मार्केट प्लेस की तरह शुरू किया। अगस्त में एक इन्वेस्टर को पिच किया, उन्होंने कहा तो बहुत अच्छा आइडिया है, बस वहां से माइंड प्लेयर्स की शुरुआत हुई। एंड कौन आया था इन्वेस्टर एंजल? सबसे पहले थे संजय मेहता 100x VC। सबसे पहले मतलब अभी भी कोई राउंड हुआ है आपका? उसके बाद एक राउंड हो चुका। कब कब हुआ वो? अभी जब संजय वाला राउंड हुआ था तो उसमें हमने टोटल रेस करे हैं 1.12 करोड़। क्या वैल्यूएशन था? 33.75 करोड़ की वैल्यूएशन। उसके बाद का राउंड अभी ऑलमोस्ट हो चुका है और हम आप लोगों को उसी राउंड में शामिल करना चाहते हैं। इस टाइम पे इसीलिए 53 लाख का आंकड़ा बैठा। That explains the number. Yes. तो साहिल आपका कोई रोल है? मैं उसी पे आ रहा था। So, मैं 2013 में ग्रेजुएट करा था बीटेक की डिग्री। अनलाइक हर, मेरा पूरा करियर स्टार्टअप में ही रहा है। 2 साल काम किया अलग अलग प्रोजेक्ट पे, म्यूजिक इंडस्ट्री के गेम्स बनाई, बट वहाँ पर मेरा एक इंटरेस्ट था कि जब भी मैं एक डीप डाउन ऐसी प्रोडक्ट में जाता था वहाँ प्रोडक्ट प्रोजेक्ट खत्म हो जाता था। सो दैट वॉज माई फर्स्ट थिंग जहाँ पे मेरे को लगा कि नहीं, मुझे एक प्रोडक्ट में काम करना है, मुझे उसको ग्रो करते हुए देखना है और उसको बड़ा करना है। तो मैंने उसके बाद क्लास प्लस ज्वाइन किया एज अ फाउंडिंग टीम मेंबर। मैंने 70 जनों की टीम बनाई है, पूरा आर्किटेक्चर, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लास प्लस का मैंने ही स्क्रैच से बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद MindPS, देन कनिका हायर्ड यू? नो, सो बेसिकली उस टाइम पे मैं अपना एक प्रोडक्ट बनाने का सोच रहा था, एम्प्लॉय वेलनेस मैनेजमेंट का। वहाँ पे मैं संजय से मिला, संजय से मैंने अपना आइडिया पिच किया, जहाँ पे संजय ने हमें मिलवाया, हमसे बोला कि एक बार तुम दोनों बात करके देखो, क्योंकि उसमें मेंटल हेल्थ एक कॉमन पॉइंट था। जुलाई 2021 ही जॉइंड अस ऑफिशियली एज द को-फाउंडर ऑफ MindPS। इक्विटी स्प्लिट मेरे पास 70% है, साहिल के पास 25% है, और बाकी 5% हमारे कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास। जैसे बेसिकली अरेंज मैरिज होती है, आपकी अरेंज पार्टनरशिप है। हाँ, जनरली स्पीकिंग वो होती नहीं है वेरी सक्सेसफुल, लेकिन आप 2-3 साल से लगे हुए साथ में हुए। So congratulations. मेरी भी वही। Very hard to find a co-founder. अच्छा, आपकी भी ऐसी थी? हाँ, मैं और समीर एक दूसरे को नहीं जानते। That's great when that happens, yeah. It's been like six years now. Wonderful. तो डेमो देंगे? बिल्कुल। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं हमारी ऐप। इसमें क्या होता है, जैसे ही आप अंदर घुसते हैं हम यूजर से 14 questions पूछते हैं। ये 14 questions लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट से रिलेट करके आपको बता रहे हैं। आइडिया ये नहीं है कि मैं किसी को बताऊं कि आप कितने एंग्शियस हो, कितने डिप्रेस्ड हो, हम आपको बता रहे हैं आप कितने मेंटली स्ट्रांग हो। अब जब आपको ये मिल जाता है, इसके साथ नीचे आपके आते हैं रेकमेंडेड टूल्स एंड गेम्स, पर्सनलाइज चीजें जो आपको करनी चाहिए जिससे कि आपका स्कोर बेटर होता रहे। और अब गेम शुरू होता है। आपको रेन ड्रॉप्स कलेक्ट करनी है एज मच पॉसिबल, और ये जो प्लांट है वो ग्रो होता रहता है, और एंड में आपको बताया जाता है कि वरीज जो है उनको जब आप डाल कर कलेक्ट करते हो तो लाइफ में ग्रो करते हो उन वरीज। चलिए, गॉट इट, यू यूज द गेम एज द सेकंड लेवल ऑफ इवैल्यूएशन, ओके? और उसके साथ एक हम आपको दिखाना चाहते हैं MindPS क्लब, जो कि हमारा सबसे टॉप यूज फीचर है। कम्युनिटी, सपोर्ट ग्रुप, लेकिन आप वेंट आउट करते हैं अनोनिमसली, और हमारे इसमें रियल टाइम साइकोलॉजिस्ट रिप्लाई करते हैं। कितने साइकोलॉजिस्ट हैं आपके पेरोल पे? 6। पर ये तो फ्री है ना सर्विस? नहीं। अच्छा, ये पूरा पेड है? ये पूरा पेड है। क्या है एनुअल? इसका आप महीने का 350 रुपए पे करते हैं। हमारे पास 3500 पेड कस्टमर्स। वाओ। तो साइकोलॉजिस्ट जवाब नहीं देगा जब तक पैसे नहीं दूंगा। एंड में एज अ कंज्यूमर मैं क्या अचीव करूंगा इससे? व्हाई विल आई पे यू 350 रुपीस जो कि इंडिया में बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं चार्ज कर पा रहे हैं? पीयूष, हमारी टारगेट मार्केट बहुत क्लियर है, हम मिलेनियल्स और जेन ज़ी के पीछे जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो फिटबिट ओन करते हैं, एप्पल वॉच ओन करते हैं, एयरपॉड्स ओन करते हैं। लेकिन कहाँ है ये? आज तक आपको 3,500 सब्सक्रिप्शन है, राइट? हाँ। और कितने लोगों को आपने ट्राई किया है सेल करना? आपका MAU क्या है? मंथली 30,000। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, आपने शुरू में कहा 3.5 लाख यूजर्स प्लेटफॉर्म, अब आप कह रहे हो कि 30,000 यूजर्स हैं जिसमें 3,500 पेड है। कौन सा आंकड़ा सही है मुझे नहीं समझ में आ रहा। 3.5 लाख टोटल टॉप ऑफ द फनल जिन्होंने कभी ऐप को खोला है और कुछ यूज करते हैं। टिल डेट टिल डेट उसका कोई रेलेवेंस नहीं है अभी।
आज आपके पास है एक्टिव सब्सक्रिप्शन 3,500। हाँ। आपका कन्वर्जन हुआ 1%, तो मतलब देयर इज नोबडी पेइंग 350 रुपीज। हाँ, क्योंकि अनुपम हम B2B के पास जा रहे हैं और ये जो 30,000 एक्टिव यूजर्स हैं, बाकी सारे जो यूजर्स हैं वो कंपनीज के एम्प्लॉइज हैं। तो आपका प्राइमरी मॉडल B2B है कि B2C है कि दोनों मिक्स है, क्या है? प्राइमरी B2B है। अच्छा, आप ऐसे क्यों नहीं बता देती कि आपका रेवेन्यू क्या है और स्प्लिट क्या है बिटवीन सब्सक्रिप्शन एंड कॉर्पोरेट्स? महीने का 16.5 लाख हमारा अक्टूबर का रेवेन्यू, उसमें से 10 लाख B2C से बना, 6.5 लाख हमने B2B से बना। हमने प्रोडक्ट को थोड़ा रोबस्ट होने की वेट करने दी और B2B में हमने अभी सिर्फ 2 महीने पहले लॉन्च किया, ठीक है? आज की डेट में हम 22 लाख के कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनीज के साथ ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। 22 लाख पर मंथ? 22 लाख पर मंथ। तो टेल मी समथिंग, व्हाट इज योर B2B मॉडल, क्या है? अगर मैं कॉर्पोरेट हूं, अज्यूम यू आर सेलिंग दिस टू मी, क्या बेच रहे हो आप मुझे? अब HR को क्या मिलता है और वो क्यों पे कर रहा है, वो है ये। ये मैं आपको डेटा बता रही हूँ, एक हमारा एक और क्लाइंट है, वो सूरत में अपनी फैक्ट्रीज में हमारी ऐप को यूज कर रहे हैं। दे हैव रिड्यूस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में इंसिडेंट्स रिड्यूस हुए हैं बाय 70%। गॉट इट। आपने कहा फंडिंग रेज किया, आपने कहां से कितनी? गुड वाटर कैपिटल और वेंचर कैटलिस्ट ने थोड़ा सा और पैसा। इतने सारे लोग आ गए, तो हम आपके हैं कौन? मेरी बहुत स्पेसिफिक आस्क है सब लोगों से, तो मैं शुरू करती हूँ। अमन, अगर ये ब्रांड हाउसहोल्ड ब्रांड नहीं बना तो नहीं चलेगा। और आपको पता ही, आपने बोर्ड के साथ क्या किया है, हम चाहते हैं आप हमारी हेल्प करिए। वही चीज यहाँ तक पहुंचने में थक मत जाना। नामिता, फार्मा वाली चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी जब देखेंगे किस तरीके के डेटा इनसाइट हम लोग निकाल रहे हैं। अनुपम, रहने दो, आगे बढ़ो। अनुपम के बारे में सोचना पड़ा। 3.5 लाख यूजर्स जो माइंड पियर्स में हैं, 60% हैव रिपोर्टेड इश्यूज बिकॉज़ ऑफ लोनलीनेस एंड प्रॉब्लम्स इन देयर रिलेशनशिप। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रिगर्स। इट इज। आपको रिलेशनशिप्स का बिजनेस समझ आता है, हमें वो सीखना है। द सिंपल ऐप, हमारे ऐप के अंदर हम फिटनेस ऐप से कनेक्ट कर लोगों को बता सकते हैं कि मेंटल हेल्थ स्टैट्स कैसे चल रहे हैं। पीयूष, आपने तो हमारा बहुत सिंपल सा है, कैसे फटाफट कंट्रीज के अंदर स्केल करना। ये तो प्रूव हो गया कि आप मार्केटिंग हेड थी। चलो मैं आपको ऑफर देता हूँ, व्हाटएवर यू आस्क, 53 लाख 1%। मैं और विनीता भी ऑफर देते हैं 53 लाख फॉर 1%। You know this company Infido? हाँ। So they do something very similar. Yep. I was their first, one of the first early customers and investor. I think I can help you a lot in this. Kanika, business. You have an unbeatable combination. I also want to complete one more thing. Wait. I am an acting chief people officer at Lenskart. I head HR at Lenskart for 10,000 people. I am using all global tools of HR, not just one HRMS, every global tool I am using, right? But अच्छा, yeah, इनकी पिच हो गई। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कनिका कि the reason me and Vinita are an unbeatable combination is because मैं लाती हूँ हेल्थ केयर का एक्सपर्टीज एंड विनीता लाती है ब्रांड बिल्डिंग। जैसे आपने कहा, हर घर घर में ये पहुंचना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि आपका मॉडल B2B है, वी अंडरस्टैंड कि कोविड के बाद इसकी बहुत जरूरत है इन द B2B वर्ल्ड। और ये जो आपके अलायंसेस है, इंश्योरेंस, फिटनेस, फार्मा, यहाँ भी नेटवर्क दे सकता है। आई थिंक वी आर अ बेटर कॉम्बिनेशन फॉर यू। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ। आप नजेस क्यों नहीं देते हो? और दैट डेटा व्हिच यू हैव कैन बी वेरी यूजफुल। तो नजेस आ सकते हैं ऑन गो फिट, गो रन, गुड आइडिया, टॉक, ये क्यों नहीं करते? इस पे अभी काम चल रहा है और हम नजेस देने वाले हैं आगे चल के। ओके कनिका, डोंट वेस्ट योर टाइम, इस पे हम अभी POC कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको आंसर देता हूं। यस, मैं जानना चाहता हूं विनिंग टीम के साथ, वो है नमिता विनीता के साथ। सो नाउ यू हैव 3 शॉट। आपका ऑफर हो गया, मुझे अभी बता देनी चाहिए यार। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, थैंक्स फॉर टेकिंग दिस इशू अप, मेरे दिल के बहुत करीब है। आई myself have gone through it. So, आपको मिलके बड़ा अच्छा लगा कि आपने इस विषय में कुछ किया। लेकिन अगर इंडस्ट्री और प्रोडक्ट पे आते हैं, मैं समझता हूँ कि आपने जो ऐप बनाया, ये थोड़ा खिचड़ी बना दी।
राइट नाउ इसका यूजेज जो है अनफॉर्चुनेटली विद इन कंपनीज इज समवेयर बिटवीन 1-3%. जनरली स्पीकिंग एम्प्लॉय जब तक बहुत हालत नहीं खराब होती वो यूज नहीं करते हैं. या तो आपको इसके बारे में सोचना है. आई लाइक व्हाट यू आर डूइंग बट फ्रॉम माय साइड इट इज अ नो. अनुपम आउट है. आपके पास अभी दो ऑफर हैं. पीयूष आप हमारे साथ आना चाहेंगे? हाँ मैं आ जाऊंगा आपके साथ. तो कनिका मेरे को अपने लिए 1% चाहिए तो मैं आपको देता हूँ 53 lakhs और 1%. और मैं इनके साथ जुड़ना चाहूंगा तो आप इनसे ले लीजिए 53 lakhs और 1% और मैं आपको एडिशनल 53 lakhs देता हूँ 1% के लिए. तो हम चारों आ जाएंगे. आई एम ओके विद दैट. हम आप चारों को चाहेंगे और हम 53 lakh फॉर 1% आप तीनों के साथ और एक अलग से 53 lakh फॉर 1% पीयूष आपके साथ. I'm okay. Deal bucky. Chalo, let's do it. All right. Awesome. Good for you. Congratulations. Thank you. Phenomenal founders. Phenomenal, 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 phenomenal. You have to realize that role of Aman in this nudge is super critical. Yeah, yeah. Right?